छे दांत के लग रहे हम लोग जा रहे हैं फाइनली बकरे ख़रीदने। देखेंगे आज आगे दौड़ की मंडी जो कि इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे जाएंगे बकरे देखने। अगर बकरे पसंद आ गए तो वहाँ ख़रीदेंगे। आज का टेम्परेचर मुझे पता लगा 45 है, फील लाइक 47 कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो जाते हैं, गर्मी का भी इंजॉय लेंगे, गर्मी देखेंगे किस तरह की वहाँ पर। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, वाकई बहुत गर्मी। इस टाइम पर बकरे देखेंगे जाके, आपको भी दिखाएंगे वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के बकरे। तो चलते हैं वहीं पे। इस टाइम पर हो चुके हैं सुबह के 6:30-7 के करीब हो चुके हैं। तो इस टाइम चलते हैं और हाँ जी, तो हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे दौड़ की मंडी या शहजादपुर, एक जगह है जहाँ पर जाया जाता है। तो हमने खैर हम निकले पेट्रोल भरवाया, उसके बाद खैर याद है नाश्ता नहीं किया नहीं खैर हम फिर उसके बाद नाश्ता करने के लिए रुक गया, नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर हम लोग अलहमदिल्ला निकल गए, आगे निकल पड़े हम लोग अपनी जगह के लिए, सफ़र के लिए। आगे हम अभी निकले थे कि थोड़ा सा आगे गए तो लो अगर रास्ता ही बंद था, फिर हमें कच्चे से जाना पड़ा। अभी कच्चे का एरिया देखें सिंध में और कच्चा। खैर अब मैं लल्ला करके उस जगह को निकाला, पार किया, फिर रास्ता मिल गया, हम दोबारा निकले, उसके बाद आगे चलते रहे हम लोग। खैर उसके बाद हम लोग पहुँचे कुछ 3.5 घंटे के बाद शहजादपुर पहुँचे। बहुत गर्मी थी यहाँ का, टेम्परेचर से जितना टेम्परेचर था उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे गर्मी लग रही थी। तो हद से ज़्यादा गर्मी। खैर हम लोग अपने दोस्त के, अपने फाफू के दोस्त के, जो हम लोग बेड़े पर पहुँचे वहाँ पर, तो बाग बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। खैर गर्मी बेइंतहा गर्मी, गर्मी देखे 47 दिन के 12:30 बजे। लस्सी आई हम लोगों ने, लस्सी पी, और अब देखे लस्सी किस तरह पीता है, लस्सी पी और गिरा दी, ओ नज़र लग गई लगता है किसी की। खैर हम लोग फिर उसके बाद मंडी गए, बकरा मंडी। बकरा मंडी का आप लोग को व्यू दिखाते हैं, ये व्यू है बकरा मंडी का जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। हमने कहा चलो ऊपर गाड़ी पार्क करके निकलते हैं आगे, हम आगे की तरफ चलें ताकि हम फिर उनका ब्रिंज जितना सूर्य बढ़ रहा था और इतनी ही गर्मी थी। हम लोग को चलना शुरू हो गया आगे, कहा चलें मंडी जाके देखें बकरे ख़रीदें, बहुत टाइम हो गया है आए हमें, 12 बज रहा, धूप गर्मी बहुत थी। खैर हमने बकरे देखना शुरू किए छोटे छोटे बकरों से, और बकरों की तो बहुत ही बड़ी मंडी है यहाँ पर, बहुत बड़ी मंडी है ये, बहुत खूबसूरत है। हर तरह का बकरा है, छोटे से लेके बड़ा है, हर तरह का बकरा है आपको मिलेगा। ये देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत बकरे हैं सिंगो वाले। फिर उसके बाद हमने कहा चलो आगे देखते हैं थोड़े बकरे, तो ये देख रहे हैं छोटे दरमियाने बड़े खूबसूरत सफ़ेद रंग के बकरे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे। लेकिन उनके पैसे भी हम तो ऐसे आए थे कि थोड़ा शहर में कराची से रेट कम मिलेगा, लेकिन यहाँ भी उस तरह के रेट है। ये बकरे देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बकरे हैं, ये सिंगो वाले एक ही जैसे रंग के माशाल्लाह, सुपर सफ़ेद बकरे हुए, हर तरह के माशाल्लाह बकरे और बड़े खूबसूरत बकरे। लेकिन पैसों में तो खास फ़र्क नहीं है, है फ़र्क कराची से, लेकिन हम इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। हाँ अगर कराची में बकरा में 1 लाख का मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं वही बकरा 60-70 हज़ार रुपये तक का मिल जाएगा। ये बड़े बकरे जो कि कराची में इन बकरों का रेट जो अगर 2 लाख रुपये, यहाँ में 1 पीस का मिल जाता है। इस मंडी में आने का ये फ़ायदा है, बड़े बकरे छोटे सबके रेट शहर से कराची से थोड़ा डिफरेंट है। खैर हमने ये पूरी बंडी घूमी, पूरी बंडी घूमने के बाद खैर हमने बने वो यहाँ, तो खैर रेट काफ़ी हाई थे आज, यहाँ तो गर्मी की वजह से हाई थे, क्यों हाई थे लेकिन हाई थे। खैर उसके बाद फिर हम लोग, हमने कहा चलो यहाँ सारी मंडी घूमने के बाद फिर हम लोग, हमारे जब अबू के दोस्त थे फिर हमें अपनी बारे बेड़े पर लेकर चले गए थे। हमने पूरी मंडी घूमी अच्छी तरह से, रेट लगाया बकरे से, कुछ एक मुनासिब सौदा बन नहीं सका क्योंकि देखते गर्मी बहुत थी यहाँ पर, इस हिसाब से भी ज़्यादा घूमा नहीं गया। एक कुछ बकरे समझ में आए थे लेकिन फिर वो भी हम ले, अभी लिए नहीं हमने, सौदा उनका बनाया लेकिन लिए नहीं। तो इसी के बाद फिर चले अबू ने कहा चलो उनके एक दूसरी जगह चलते हैं जो कि अबू के दोस्त ने बकरे दिखाए। हम यहाँ पर आए, बड़ा खूबसूरत ये गाँव, गर्मी बढ़ती जा रही थी, रुकी नहीं रही थी गाँव, आप देख सकते हैं जगह पर हम लोग आए। फिर हमने कहा चलो बंदे चलते हैं, गर्मी से हालत तो खैर अच्छी खासी बुरी हो ही चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ तो भीड़ से लगता है गलत जगह पर आ गया, ये तरह उन्होंने दिखाई है इनके ढंग से, बकरे भी दिखाएंगे। ये देखें बकरे आ गए यहाँ पे,
इनके खूबसूरत ये बकरे हैं, इन्होंने घर से ये बकरे वो होते हैं जो घर में पलते हैं, मंडी में लेके नहीं जाते इन बकरों को ये लोग, तो ये खास मेहमानों को दिखाते हैं अपने, उन्होंने बकरे दिखाए अपने और मंडी में लेके नहीं जाते, यहीं रखते हैं। खैर उनके रेट ही सुन के हमको दिल गए थे। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत सफ़ेद दो बकरे हैं, ये आपस में लड़ेंगे इंजॉय करेंगे बकरे बकरे, क्या माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह। खैर कुछ बात बनी कुछ बात नहीं बनी, करते करते हम लोग को भी कुछ बात समझ आ रहा था बकरे को नहीं समझ आए, और कुछ ज़्यादा गर्मी की वजह से हम ज़्यादा घूम नहीं सके। बकरे को शक से देखे बहुत खूबसूरत बकरे, हर लिहाज के हर साइज़ के बकरे हमने देखे, छोटे बड़े जो समझ आ जाएँ। तो हमारी खास ऐसी इस बार बात नहीं बन सकी, क्योंकि कुछ बकरों पर ऐसी देखे बात बन गई थी, कुछ थोड़े से कुछ पैसों के फ़र्क से वो बकरे भी रह गए। तो खैर अबू ने बोला खैर इस प्रेस को यहीं पर भी स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप दोबारा करेंगे इसको, नेक्स्ट वीकेंड पे करते हैं, सब करते हैं इंशाल्लाह, बहुत देर नेक्स्ट ट्रिप करेंगे, तो मेरे चलते हैं घर भी बहुत, नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह आएंगे तो बकरे इंशाल्लाह फाइनल लेंगे, फिर अभी निकल पड़े घर से भी बहुत बहुत ज़्यादा।